नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आज हम नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, जो नतीजे सामने आए हैं, किस तरह के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। उसमें हमारे बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटी का क्या है कहना। देखिए, पहले तो प्रशासन को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से इस जिले में चुनाव कराया। दूसरा, यहाँ की मीडिया भी बधाई के पात्र है कि मीडिया ने बड़ी सजगता दिखाई, जिसकी वजह से प्रशासन पे भी दबाव रहा और प्रशासन ने भी निष्पक्ष और मीडिया का एक सामंजस्य बैठा रहा। और जनता ने जिस भी व्यक्ति को चुना, जनता बड़ी विवेकपूर्ण और धैर्य से वोट डालती है। और माननीय नवांतुक चेयरमैन को बुंदेलखंड विकास सेना की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब वो जनता के विश्वास पे खरे उतरे और यहाँ इस शहर में, इस नगर में बहुत काम है उन्हें करने के लिए, क्योंकि तमाम काम अधूरे हैं। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में पीएन स्कूल है, दो स्कूल हैं नगर पालिका के अंडर में हैं, कुछ पार्क हैं, नालियां हैं, रोड हैं, तमाम लाइटें हैं, ऐसे तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें उन्हें काम करने की आवश्यकता है। और यहाँ हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि यहाँ इस शहर को इस समय धूल रहित बनाएं, मच्छर रहित बनाएं और गड्ढे मुक्त बनाएं। और हम पुनः बुंदेलखंड विकास सेना की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी। अगर तालवेट सीट की बात की जाए तो वहाँ मुक्ता सोनी जो चुनाव में निर्दलीय लड़ रही थी, बैठ गई थी, तो अहम भूमिका क्या उनकी रही है चुनाव को? देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना नाम वापस लिया और वो उस पार्टी की सदस्य भी हैं। उन्होंने उस पार्टी के लिए काम किया और वहाँ इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान और सहयोग तो है ही। श्रेय पूरा उन्हीं को जाता है? नहीं, श्रेय उनको जाता है, पूरा श्रेय भी वहाँ के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के, तभी अच्छे ढंग से चुनाव लड़े और वो विजयी हुए। अब वो भी चूँकि जो परंपरा है वहाँ की तालवेट की, कि वहाँ की रोडें और नालियाँ तमाम सुंदर हैं, बनी हुई, और उन सब परंपराओं को उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। जिस तरह शहर में हाथी की लहर थी, उसी तरह लहर शांत हो गई है। देखिए, तो आपका क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पानी में आप चने डालें तो जो खराब चने होते हैं वो तैर के ऊपर आ जाते हैं और वो हमें नज़र आने लगते हैं, और जो अच्छे चने होते हैं वो नीचे बैठे रहते हैं। तो वही हुआ कि जब एक दो दिन बाद लोगों ने उन चनों को ऊपर से जो खराब चने थे हटे, तब देखा कि नीचे काफ़ी चने जो अच्छे और साफ सुथरे हैं वो बैठे हुए हैं। तो वही चुनाव का हुआ कि पहले शोर था हाथी हाथी का, लेकिन जनता ने आखिरकार फूल पे विश्वास जताया और उनकी जो टीम और टीम वर्क था उसने मेहनत की, इस वजह से वो विजयी हुए। इसमें क्या मानते हैं, सभी समाज वर्ग का विशेष योगदान रहा है? नहीं, सभी समाज का वर्ग का सहयोग रहा, कि आप देखें किसी एक वर्ग का नहीं रहा कि इतने अधिक वोट आए हैं। इससे पहले नगरपालिका चेयरमैन को इतने वोट कभी किसी भी आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए, इतने ज़्यादा परसेंटेज में वोट कभी किसी को प्राप्त नहीं हुए। अच्छा, अगर पाली की बात की जाए तो वहाँ पर अपने श्रम सेवा योजन में आज मंत्री भी रहे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन निर्दलीय निपट गए हैं। देखिए, निर्दलीय मेहरौनी विधानसभा में दोनों निर्दलीय जीते और दोनों के साहस की दाद देनी पड़ेगी, कि कहा जा रहा था कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, उसके बावजूद भी वे चुनाव में विजयी हुए। मेहरौनी में बड़ौनिया जी हुए, पाली में हमारे मित्र हुए, तो ये सब चीज़ें, तिवारी जी हुए विजयी, तो ये उनकी मेहनत और प्रयास और लगन का है, और जनता ने उन पर विश्वास जताया निर्दलीय पे, और उन्हें जनता के विश्वास पे खरा भी उतरना पड़ेगा। वहाँ पर कोई भी पार्टी जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा, लोगों ने तो पर्चे ही नहीं भरा, उन्होंने वापस ले लिया, कहीं ना कहीं उनका समर्थन निर्दलीय के साथ था। तो क्या मानते हैं, इसमें जनता की जीत है वहाँ पर? नहीं, जनता जीती, जनता तो जीती रही है हर जगह, जब जो जनता चुनाव वोट देती है तो जीतती तो जनता ही है, लेकिन जनता कभी कभी अपने वोट से पछताती है, उन्हें विश्वास लगता है कि हमारा प्रत्याशी काम करेगा, और जब उनके विश्वास पर वो खड़े नहीं उतरते हैं तब वो थोड़े हतप्रभ रह जाते हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, पाली में हार का एक और कारण देखने को जा रहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशी हैं, ये लोग केवल भोपाल और इंदौर के चक्कर लगाते रहे, पाली में तो टाइम ही नहीं दिया ज़्यादा, यही और अपने वोट बैंक बनाने में लगे रहे, यही भी हार का कारण नहीं सकता? ये कई वजह हैं कि वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मेहनत नहीं की उनके लिए, वहाँ पे वो टीम वर्क नज़र नहीं आई, हार का कारण यही बना वहाँ। अगर मेहरौनी की बात की जाए तो मेहरौनी में लगभग
100% चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, इसमें प्रशासन का कितना योगदान रहा? नहीं नहीं, प्रशासन ने तो हम आपको बताएं कि सभी जगह निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश की, और हम आपको नजारा है किसी भी बूथ पे काउंटिंग में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई कि कहीं भी जैसी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। और मेहरौनी में मैं आपको बताऊं, बढ़ोनिया परिवार पिछले कई चुनाव हारा लेकिन निरंतर जनता की सेवा करता रहा और जनता के विश्वास पे खरा उतरता रहा, और उसे विश्वास था कि जनता एक दिन हमारे साथ खड़ी होगी, और जनता ने उन पर विश्वास जताया, जनता उनके साथ खड़ी भी हुई, इस बार वो विजयी हुए। तो यही कहते हैं कि आप प्रयास और कोशिश करेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जिस तरह मंत्री जी के जो दोनों कार्य क्षेत्र थे यहाँ से करारी पराजय हासिल हुई है, तो इस पर क्या? हाँ, तो माननीय मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के अपनी कार्यकर्ताओं को और टीम को आत्मचिंतन की आवश्यकता तो है कि ऐसा क्या होगा कि हम वहाँ की दोनों सीटें हार गए, वो भी मंत्री पद जैसे? जी जी, नहीं, माननीय मंत्री मनोहर लाल जी पंत जो खुद 1,00,000 से ऊपर वोटों से जीते हैं और लोकप्रिय भी हैं, और उसके बावजूद अगर उनकी दोनों सीटें चली जाएं तो उनको चिंतन की आवश्यकता तो है। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर की, किसी दिन से चुनाव को लेकर चर्चा हुई।